कटनी में एक वृद्ध न्याय की आस में दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसे न्याय नहीं मिला, जिसके बाद थक हार कर वृद्ध ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। बरही के खन्ना बंजारी निवासी 80 वर्षीय एक वृद्ध कटनी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि खन्ना बंजारी में उनकी जमीन है, जिसे गांव के ही पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, रमेश कुमार व जितेंद्र कुमार ने धोखे में रखकर जमीन अपने नाम करवा ली है। बुजुर्ग का कहना है कि जब उसे पता चला तब उसने तहसील कार्यालय से लेकर कटनी कलेक्ट्रेट तक कई बार शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन उसे अभी तक न्याय नहीं मिला, जिसके बाद वृद्ध न्याय की आस में शिकायत लेकर कटनी कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं कलेक्टर ने शिकायत प्राप्त कर जांच के बाद वृद्ध को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम लोग के ससुर बाबू जी की जो जमीन है 4 एकड़ से 77 डिसमिल, तो बुजबुजा की विश्वकर्मा है, पुष्पेंद्र विश्वकर्मा जो BDC मेंबर है जनपद सदस्य बड़वारा से, उन्होंने कहा कि हम आपको चलो बाबूजी के लिए चलते हैं और आपके नाम से मान लीजिए वो करवा रहे हैं कि नाम में हो जाएगी, तो फिर 1 एकड़ आपके नाम में करवा देंगे, 3 एकड़ से 70 दिन दोनों भाई हैं उनके मैं हो जाएंगे, मेरे पति और मेरे जेठ जी के नाम से। धोखाधड़ी के मामले में 420 करके और बाबूजी के दस्तखत करवा के अंदर रजिस्ट्रार साहब से और कह दिए कि ये वो हो गया है, रजिस्ट्री आपके नाम से हो गई है, हम चले आए। अब पता चला कि जब हमको रजिस्ट्री यहाँ से वापस पता चला कि वहाँ तहसील से कि रजिस्ट्री हम लोग के उसमें नहीं है, ये लोग खुद 3 एकड़ करवा लिया है, पुष्पेंद्र BDC में जो है जनपद में वो अपने नाम से 3 एकड़ से 77 डिसमिल करवा लिया, 1 एकड़ अपने दोस्त रमेश प्रजापति के नाम से करवा दिया। 4 एकड़ 77 डिसमिल जमीन थी तो बहु मेरी सेवा का टेलर का, तो मैं कहा कि इसमें से 1 एकड़ इसको मैं दे दूँ हैं सेवा कराए, कोई गए तो वो कहा पुष्पेंद्र BDC तो वो है, तो कह चलो मैं करा दूंगा, कम पैसा लगेगा। शुक्रिया हले साहब आए है तो फर्जी कागज में दस्तखत होकर हमारा करा लिया, मैं अनपढ़ हमें क्या जानूँ कि क्या करता, अब जाके सब रजिस्ट्री करा लिया है, कुम्हार के नाम में करा दिया, अपने नाम में ले लिया। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में, आप देख रहे हैं दखल न्यूज।